नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर साल नए साल में कुछ करता है खास, कि लखनऊ में खास शख्सियत इस नए साल पे क्या कर रहे हैं खास। तो जिस तरीके से अभी तक हम आपको बहुत से लोगों से मिलवा चुके हैं कि देश में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो हर फेस्टिवल को या फिर नए साल को वो अलग तरीके से मनाते हैं। तो हमारे साथ में एक वरिष्ठ समाज सेवक है मुकेश तिवारी जी, जो कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हाल ही में सही उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष भी हैं वो, और साथ में ही भारत तिब्बत समन्वय संघ के अवध प्रांत महामंत्री भी हैं। तो उनसे हम पूछेंगे कि इस समय वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से नव वर्ष के लिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे। आपका स्वागत है मुकेश जी। जी नमस्कार, मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ से अवध प्रांत से महामंत्री, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो ये आपका जो भारत तिब्बत समन्वय संघ है जिसके आप अवध प्रांत महामंत्री हैं, तो किस तरीके से आपका संघ कार्य करता है पूरे देश में? देखिए, भारत तिब्बत समन्वय संघ, आप नाम से ही मतलब क्लियर होंगे कि हम तिब्बत की मुक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो जो कि हमारी आस्था से भी जुड़ा है। कैलाश मानसरोवर जो कि मूल स्थान है हमारे भोले बाबा का, जो आज की डेट में सभी को पता है कि चाइना के चुंगुल में है, तो हम लोग उसकी मुक्ति का कार्य कर रहे हैं। अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जो नदियां हैं वहां की, जो कर्म मारता है, तो वो उन्हीं के माध्यम से हमारे देश में ये सारी नदियां आती हैं, जिस पर चाइना उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत ही बड़ा भौगोलिक स्तर पे बहुत ही इफेक्ट करेगा आपके टाइमिंग पे। जो ईयरली टाइमिंग का था, वो दूरी को, पृथ्वी की जो दूरी है उसको भी चेंज करने की क्षमता रखता है, तो ये इतनी बड़ी कार्य। दूसरा, इसके बाद जैसे वहां पे जो मानव अधिकार का हनन हो रहा है, आप देख रहे होंगे इतने अत्याचार हो रहे हैं वहां पे, जो भी तिब्बतवासी इस समय तिब्बत में है वो चाइना का अंतर जातीय विवाह, औरतों के साथ बलात्कार और उनके साथ जबरदस्ती, और उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका पूरा हनन किया जा रहा है, उनकी पूजा पद्धति को चेंज किया जा रहा है। आप इस चीज को देखिए तो किस तरह से चाइना हमारे इसको हनन कर रहा। हमने बस एक मांग करी है कि भारत चाइना बॉर्डर ना बोल करके इसको भारत तिब्बत बॉर्डर बोला जाए, क्योंकि तिब्बत एक भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। तो आप जैसे व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, तो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल पे, तो युवा प्रकोष्ठ के आप जिला उपाध्यक्ष हैं, तो उसको लेकर जो मंडी शुल्क को लेकर के आप लोगों की तरफ से क्या करा जा रहा है, किस तरीके सरकार से मांग कर रहे हैं आप लोग? जी, इस विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा भी हुई है, अंजनी कुमार पांडे जी से, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और उनका जो मार्गदर्शन है उसके हिसाब से हमने अभी जो नवीन गल्ला मंडी है और भी जो हमारे व्यापारी भाई हैं जिनसे ये शुल्क की मांग की गई है, तो इस शुल्क के लिए हम लोग भरपूर विरोध करते हैं, और साथ सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पे विचार करें, और हमारा कड़ा मांग है उनसे, अगर इस पे विचार नहीं करते हैं तो हम सब व्यापारी भाई सड़क पे उतरेंगे और इस पे धरना जरूर देंगे। तो ये तो आपके दो क्षेत्र हुए, जैसे कि आपका व्यापार क्षेत्र हुआ, तिब्बत क्षेत्र हुआ, इसके अलावा और किन किन क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं? हम समाज सेवी हैं, और जिन गरीबों को कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं तो उन पे हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनका मदद करते हैं, और हम गौ सेवा पे काम करते हैं। जो गौ सेवा, जो गौ चोटिल होती हैं, इस समय हमारे पास इतना नाम फेमस हो चुका है कि लोगों का फोन आता है कि भैया हमारी शेरी से भी रविंद्र पल्ली आपके आलमबाग से भी हमारे पास आया था, और हमने उस चीज को कंटिन्यू कराया, उसको सही कराया, माता जी को उठवाया वहां से और उनका इलाज करवाया। अभी हमारे पास एक नई समस्या आती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हम हिंदुत्व के लिए जो हिंदू भाई हैं उनको हम अपने जो हिंदू समाज का जो उनका रीति रिवाज है, जो पूजा पद्धति है, उसको हम जागरूक करते हैं कि कैसे करना। उनको पहले कई युवा पीढ़ी को ये नॉलेज ही नहीं है कि कैसे हम पूजा करते हैं, और लोग जो मूर्ति जगह जगह पे छोड़ देते हैं, विसर्जन नहीं सही ढंग से करते हैं, तो उसमें भी हम काम करते हैं कि उसको सही पद्धति से हम उसका विसर्जन करवाएं। तो एक सवाल हम आपसे और करेंगे, जिस तरीके आपने हिंदू की बात करी, तो हिंदुओं का जो नया वर्ष होता है वो चैत मास से शुरू होता है, तो सरकार इसका प्रचार ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं कर रही? जहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़े से बड़े होर्डिंग बैनर लगे हुए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन जब हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू राष्ट्र की सरकार है, तो हमारे हिंदू नव वर्ष की ज्यादा प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? यही बात है, अभी मैंने बोला है ना, युवा पीढ़ी को बहुत सी चीजों का नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमारी युवा पीढ़ी का क्या कार्य है, कैसे होना चाहिए।
अब हम लोग 1 अप्रैल अपना नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, मगर इसको हमारे ब्रिटिश सरकार जो भी हमारे इस पहले जो गुलाम था हमारा देश उस समय, और इस चीज को रखा गया कि 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ये क्या होता है, किसी भी अगर देश को तोड़ना है तो ये मान के चलिए कि अगर उसकी धर्म पद्धति को आप गड़बड़ कर दीजिए, लोगों को भुलवा दीजिए, उस चीज को समझा दीजिए, तो वो देश अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो आज ये समय आ चुका है हम युवा पीढ़ी को समझाएं कि नव वर्ष हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है, कृपया उस दिन उपवास ना करें। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, नव वर्ष है आप मनाइए, हम ये किसी तरह से वो नहीं है कि किसी दूसरे धर्म का क्या चीज कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उसका हम विरोध नहीं करते हैं, बट हम अपने धर्म को कैसे करना है उसको जरूर आप याद रखें। इसी प्रकार हमने तुलसी दिवस का मनाया हमने 25 दिसंबर को, और इसी प्रकार से हम नववर्ष को भी मनाएंगे, मगर देशवासियों को हम नववर्ष का हार्दिक शुभकामना देते हैं, क्योंकि इससे सब लोगों की आस्था जुड़े, उसको हम नकार नहीं सकते। यानी क्रिसमस डे पे आप लोगों ने तुलसी दिवस मनाया? जी बिल्कुल, आपके सौजन्य से हम लोगों ने तुलसी दिवस मनाया और बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया उन्होंने, सफल कार्यक्रम किया। इसमें हमारे उत्तमा ठाकुर सिंह जी आई थी, आपकी जो भोपाल की साध्वी है प्रज्ञा ठाकुर, वो उनकी छोटी बहन उसमें उपस्थित थी मेन अतिथि के रूप में, तो उसको हम लोगों ने कार्यक्रम किया। तो सभी देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे, जो भी पश्चिमी नव वर्ष आ रहा है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से इस 1 तारीख को आप लोग नव वर्ष मनाएंगे, उससे दुगने उत्साह के साथ आप 1 अप्रैल को भी नव वर्ष मनाएंगे। बस यही देशवासियों से मैं कहता चाहता हूँ और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने धर्म को पूरा महत्व दें, और नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और मीडिया बंधुओं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवक मुकेश तिवारी जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। तो हम लोग नव वर्ष में कुछ खास कर रहे हैं, नव वर्ष में खास करने का हमारा मकसद और हमारे चैनल का मकसद यही है कि हम लोग कितना अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं। हमें किसी से चीज से बैर नहीं, चाहे हमें इंग्लिश से बैर नहीं, चाहे हमें हिंदी से बैर नहीं, हमें किसी चीज से बैर नहीं है, लेकिन हम लोग ये भूल रहे हैं कि हम लोग का हिंदुत्व क्या है और हिंदू धर्म क्या है। तो हिंदुओं का जो नया वर्ष शुरू होता है वो चैत माह शुरू होता है, नवरात्रि शुरू होता है। तो हम किसी भी त्यौहार को मनाए, मिलजुल कर मनाए, चाहे क्रिसमस हो, चाहे तुलसी दिवस हो आपका, चाहे आपका नया साल हो। तो नए साल में हम लोग कुछ खास कर रहे हैं, किस तरीके से सभी लखनऊ के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप हमारे साथ में देख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, बने रहिए हंगामा टाइम न्यूज चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।